सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। जैविक कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में, खिलाड़ियों को व्यायाम करने के लिए करना होगा निर्देशों का पालन। दो वर्ली अड्डों पर पुलिस की कार्रवाई, 11 जुआरी गिरफ्तार। 26 नवंबर को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, बैंक रहेंगे बंद। और खाटू नरेश के पावन जन्मोत्सव पर शहर में निकली शोभा यात्रा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। अब समाचार विस्तार से। शहर में जैविक कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है, इस ओर महानगर पालिका अनदेखी कर रही है। अकोला शहर के शासकीय तथा निजी अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरा उठाने का ठेका ग्लोबल इको सेव सिस्टम इस कंपनी को दिया गया है। प्रतिमाह लाखों रुपए इस कंपनी को अदा किए जाते हैं। बावजूद इसके, इस कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मचारी शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। जैविक कचरा इकट्ठा करने के लिए कचरा गाड़ियां अस्पतालों के चक्कर काटती हैं। अस्पतालों से निकलने वाला जैविक कचरा बाद में ग्लोबल इको सेव सिस्टम की कचरा गाड़ियों में भरा जाता है, जिसे शहर के बाहर ले जाना अनिवार्य है। कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी चालक शहर में गाड़ियां कहीं भी खड़ी कर देते हैं। अधिकांश वाहनों में कोरोना बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए उपयोग में आने वाला जैविक कचरा भी रहता है। कचरा ढोने वाले वाहन चालक अपने वाहन रास्ते में कहीं भी खड़ा कर देने की वजह से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। लापरवाही बरतते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ग्लोबल इको सेव सिस्टम के ठेकेदार तथा कचरा संकलन के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर मनपा प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। मनपा ने इस पर जल्द ही कठोर कार्रवाई नहीं की तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा, साथ ही ये सारा कचरा उठाकर महापालिका में फेंका जाएगा। इस तरह की चेतावनी विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान ने सिटी जंक्शन से बोलते हुए दी। कोरोना की महामारी के अंदर अकोला शहर के अंदर कलेक्टर साहब के माध्यम से जगह जगह अकोला की जनता की सुविधा के लिए जो हॉस्पिटल खोले गए, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से जो जैविक कचरा जमा हो रहा है वो कचरा सही तरह का से जलाया नहीं जा रहा, और जब गाड़ियाँ लेके जाती है तो खुले में उसको लेके जाती है, वो कचरा नुकसानदायक है लोगों की सेहत के लिए। तो मैं अकोला महानगर पालिका के कमिश्नर को आगाह करता हूँ कि वो जैविक कचरे की तरफ ध्यान दे, नहीं तो मजबूरी में हमको एक आंदोलन करना पड़ेगा। और वो आंदोलन हम ऐसा करेंगे कि अगर आपने वो जैविक कचरे का सही तरीके से उसका समापन नहीं किया तो मजबूरन में हमको अकोला महानगर पालिका में कचरा लाके फेंकना पड़ेगा। और कलेक्टर साहब को ही मैं विनंती करता हूँ कि अकोला महानगर पालिका के जो लियाने वाली गाड़ियाँ हैं उसके तरफ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कचरा सेहत के लिए नुकसानदायक है। एक तरफ हम बीमारी रोकने के लिए हॉस्पिटल खोले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कचरा जहाँ जमा हो रहा है और ये कचरा डंपिंग ग्राउंड में डंप किया जाता है, वहाँ भी एक बस्ती है, वहाँ के लोगों को भी जान का खतरा है। तो इसका सही तरीके से समापन हो, ये कचरा सही तरीके से जलाया जाए, इसके साथ ध्यान दिया जाए, नहीं तो कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन करेंगे और पूरा कचरा अकोला महानगर पालिका में लाके फेंकेंगे। कई माह के बाद वसंत देसाई स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खोला गया है। यहाँ आने वाले सभी को कोरोना नियमावली का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कुछ माह से बंद वसंत देसाई स्टेडियम मैदान बुधवार से नागरिकों के लिए खोला गया है। शासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन यहां आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी तथा खिलाड़ियों को करना अनिवार्य किया गया है। कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए खिलाड़ी शासन प्रशासन के निर्णयों का पालन कर मास्क लगाकर वॉकिंग कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी आवश्यक रहेगा। स्टेडियम के दोनों गेट से 50 नागरिकों को स्टेडियम में छोड़ा जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से मैदान पर सभी प्रकार की सफाई की गई है। आज बुधवार से नागरिकों ने स्टेडियम पर शर्तों का पालन कर वॉकिंग करना आरंभ किया था।
शासन के स्पष्ट आदेश रहने के बाद भी कुछ खिलाड़ी नियमों का भंग करते दिखाई दिए। इन खिलाड़ियों को आवश्यक निर्देश वहां के उपस्थित कर्मचारियों ने देना चाहिए, इस तरह की मांग अन्य खिलाड़ी कर रहे हैं। ग्रामीण परिसर में चलने वाले दो बदली अड्डों पर पुलिस ने कार्रवाई कर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जिला विशेष पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ता पुलिस ने शहर समेत जिले के ग्रामीण परिसर में चल रहे वर्ली अड्डा तथा अवैध शराब बिक्री अड्डों पर एक के बाद एक कार्रवाइयां आरंभ की है। इन कार्रवाइयों के चलते अवैध व्यवसायियों में भय व्याप्त हो गया है। विशेष दस्ता पुलिस ने पिंजर तथा खीरपुरी गाँव में चल रहे वर्ली अड्डों पर कार्रवाई कर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई पिंजर गाँव में की गई। पिंजर गाँव में बस थाना के समीप चल रहे लोनाग्रे नामक व्यक्ति के वर्ली अड्डे पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने कैलाश जयदेव लोनाग्रे, मारुति ठाकरे, दीपक कोकटे, पंकज आड़े, दिनेश लोनाग्रे, संजय कापड़े, नंदकिशोर देशमुख, भावराव शेरसाट को गिरफ्तार कर उनसे 12,090 रुपए नगद व 2 मोबाइल समेत 27,090 रुपए का माल बरामद किया है। जबकि दूसरी कार्रवाई बालापुर पुलिस थाना अंतर्गत चलने वाली खीरपुरी गाँव में की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने शेख जावेद, शेख मुख्तार, शेख मुबारक, शेख अहमद, शेख रफीक, शेख गुलाम नूर नामक जुआरियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 21,890 रुपए का माल बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक व जिला अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में तथा विशेष दस्ता पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। 26 नवम्बर को बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, इस वजह से कामकाज ठप पड़ सकता है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 26 नवंबर में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। हड़ताल का आह्वान केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की है। ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लाइज एसोसिएशन ने कहा कि लोकसभा में हाल ही में संपन्न हुए सत्र में 3 नए श्रम कानूनों को पारित किया गया है। कारोबार सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। इस विरोध में 26 नवंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। श्री खाटू नरेश के पावन जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में लाखों भाविक बड़ी संख्या से उपस्थित थे। सकल भक्तों के तारणहार भगवान खाटू नरेश के पावन जन्मोत्सव पर महानगर में बुधवार 25 नवंबर को खाटू श्याम जन्मोत्सव मनाया गया। इस पावन पर्व पर रामदेव बाबा, श्यामदेव बाबा मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में अद्भुत झांकी का निर्माण किया गया था। पूरी झांकी को पुष्पमालाओं से सजाया गया था। श्याम भक्तों द्वारा श्याम बाबा की मर्यादित निशान यात्रा रामदेव बाबा, श्यामदेव बाबा मंदिर तक निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, युवतियां और पुरुष शामिल थे। शहर के सभी परिसरों से नागरिकों ने झांकियों समेत शोभा यात्रा निकाली थी। रामदेव बाबा एवं श्यामदेव बाबा की बादल में स्वर्ग की अद्भुत झांकी साकार की गई है। शाम के समय राधा कृपा भजन मंडल की ओर से भजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया गया है। शहर के जनता सब्जी मंडी परिसर में 2 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखे का माल बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दस्ता पुलिस ने शहर के जैन मंदिर समीपस्थ पुरानी सब्जी मंडी के पास गुटखा बिक्री करने वाले 2 व्यवसायियों को गिरफ्तार कर उनसे प्रतिबंधित गुटखे का माल जब्त किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में चंद्र नारायण लाल चंद अग्रवाल व शरीफ नगर निवासी शेख यूसुफ शेख करीम को गिरफ्तार कर उनके पास से प्रतिबंधित विमल वाह व काली बहार नामक गुटखे का 30,000 रुपए मूल्य का माल बरामद किया है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। आकोट के आराध्य दैवत नरसिंह महाराज की यात्रा कोरोना संकट की वजह से रद्द की गई। विदर्भ में आकोट के ग्राम दैवत संत श्रेष्ठ नरसिंह महाराज की प्रतिवर्ष आकोट शहर में आयोजित यात्रा महोत्सव इस वर्ष कोरोना काल के चलते रद्द करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। किसी भी प्रकार की यात्रा यहां पर नहीं भरेगी तथा दही हांडी का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है, जिससे भाविक शासन की दिशा निर्देशानुसार सूचनाओं का पालन कर दर्शन कर सकते हैं। ऐसा आह्वान मंदिर व्यवस्थापक द्वारा व्यापारियों भाविकों से किया गया है। अपनी विविध मांगों को लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा धरना आंदोलन कर निवेदन सौंपा गया। मनपा में समाविष्ट किए गए गांवों के टैक्स ग्राम पंचायत के अनुसार ही वसूल किए जाए,
कोविड 19 के चलते मनपा का एक वर्ष का टैक्स माफ किया जाए, मनपा के वार्डों की रचना वर्तमान पत्रों में जारी की जाए, जिले में निर्माण होने वाले उड़ान पुलों का काम जल्द पूरा किया जाए आदि मांगों को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से महापालिका के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आदिवासी संघर्ष समिति की ओर से एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। अनुसूचित जमाति के अधिसंख्या पदों का जीआर तुरंत रद्द किया जाए, जिनके जाति प्रमाण पत्र अवैध ठहराए गए हैं उन्हें तुरंत सेवा में लिया जाए, अनुसूचित जमाति के रिक्त जगहों पर अन्यायग्रस्त आदिवासियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस तरह की मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस अवसर पर संगठना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संघर्ष समिति महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक दिवसीय धरने आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित केलेला आहे। त्याप्रमाणे अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज धरने आंदोलनाचा हा कार्यक्रम आम्ही आमच्या न्याय हक्कासाठी हा लढा आम्ही धरने आंदोलन आयोजित केलेला आहे। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, आइए देखते हैं बुलेट खबरें। अमेरिका में शुरू होगा बिडेन राज, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर मानी हार, 20 जनवरी को कार्यभार करेंगे ग्रहण। अमेरिका भारत मिलकर निपटेंगे चीन से, चीन पाक को कड़ा संदेश, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी चेतावनी। भारत अन्य देशों से बेहतर, मुख्यमंत्री की बैठक में बोले पीएम, कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर हुई चर्चा। कोरोना रेट देश में सबसे ऊपर, शिखर पर चल रहा हिमाचल, एक माह में दोगुनी हुई रफ्तार। यूपी में बनेंगे राफेल के पार्ट्स, फ्रांस कंपनी ने नोएडा में खोला ऑफिस, 6 मंजिला इमारत में 1100 कर्मचारी करेंगे काम। आसाराम बापू की कोर्ट में अपील, कहा उम्र कैद मामले में जल्द की जाए सुनवाई, अदालत ने अर्जी स्वीकार की। फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र को विकल्प देंगे, अकेले दम पर आएंगे सत्ता में, कहा मनसे के साथ युति नहीं। भूमि घोटाले में फंसे महबूबा और फारूक, 25,000 करोड़ रोशनी फर्जीवाड़े का खुलासा, अन्य कई नेता शामिल होने की संभावना। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल का निधन, कोरोना की बीमारी से ग्रस्त थे पटेल, सोनिया गांधी के मुख्य सलाहकार थे अहमद पटेल। कारपोरेट घराने को है बैंक खोलने की इजाजत, कांग्रेस करेगी विरोध का प्रस्ताव, राहुल गांधी ने कहा सूद बूट वालों की है ये सरकार। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर हुई अपार खुशी, सन की फैन ने काटी चौथी उंगली, 2005 में सबसे पहले काटी थी उंगली। नया वृंदावन बसाएगी योगी सरकार, अयोध्या के तट पर होगा विकास, 9,350 हेक्टर पर बसाए जाने की योजना। सीबीआई के रडार पर आजम खान, फायदा पहुंचाने के लिए मिले सबूत, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। तमिलनाडु में आज टकराएगा चक्रवाती तूफान, तमिलनाडु में बारिश और चल रही है तेज हवाएं, अगले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। टीम इंडिया को बड़ा झटका, पहले 2 टेस्ट में नहीं खेलेंगे रोहित और ईशांत शर्मा, उसे 4 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में। कंगारू का अभी से माइंड गेम, माइकल क्लार्क ने कहा हम भारत को धोड़ा लेंगे, 0-4 से भारत को झेलनी होगी हार। वनडे नई जर्सी में खेलेगी टीम इंडिया, धवन ने शेयर की तस्वीर, कहा नई जर्सी नया उत्साह, हम है तैयार। जूही के साथ शादी करना चाहते थे सलमान, जूही को काफी पसंद करते थे, कहा जूही के पापा ने किया मना। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मां की फोटो शेयर की, प्रियंका ने मां मधु को बताया नानी, मां के साथ अपने पेट डॉग की भी फोटो शेयर की। पहली बार इंसानों के साथ टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज, टॉम एंड जेरी 3D लाइव एनिमेशन फिल्म। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। जैविक कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में,
खिलाड़ियों को व्यायाम करने के लिए करना होगा निर्देशों का पालन। दो वर्ली अड्डों पर पुलिस की कार्रवाई, 11 जुआरी गिरफ्तार। 26 नवंबर को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, बैंक रहेंगे बंद। और खाटू नरेश के पावन जन्मोत्सव पर शहर में निकली शोभा यात्रा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।